इंदौर महापौर चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला ने वचन पत्र जारी करते हुए घोषणा की थी कि अगर वे चुनाव जीते तो अपनी ओर से शहर में 5 ब्रिज बनवा देंगे, साथ ही कोरोना पीड़ितों को 20,000 रुपए देने का वादा भी किया। संजय शुक्ला के इस बयान को बीजेपी नेताओं ने सिर्फ ख्याली पुलाव बताया है और ये भी कहा है कि संजय शुक्ला ने विधायक बनने से पहले जो वादे किए थे, क्या वे पूरे हो गए? आइए पहले देखते हैं संजय शुक्ला ने क्या वादा किया और फिर देखेंगे बीजेपी नेता उनकी घोषणा पर क्या बोले। एक तरफ मुख्यमंत्री जी बोलते हैं हम 11 ब्रिज बनाएंगे, हमारी सरकार बनती है तो, इसका मतलब मुख्यमंत्री इंदौर के नहीं है, उस सपनों का शहर इंदौर को मानते ही नहीं, उनकी सरकार बनेगी तो ब्रिज बनाएंगे। अरे हम इंदौर का पैसा देते हैं, हम लोग सब कुछ देते हैं, 30% रेवेन्यू देते हैं प्रदेश को, तो आप बनाओगे? अरे उसके पहले मैं घोषणा करना तैयार हूँ, मैं अपने सहयोगी और मैं अपने माध्यम से इंदौर के 5 ब्रिज का काम 6 महीने के अंदर चालू करके दिखाऊंगा और इंदौर में ब्रिज बना के दिखाऊंगा, क्योंकि इंदौर में यातायात के लिए बहुत ज़रूरत है। आदरणीय संजय शुक्ला जी जो मंत्री थे उन्हें भी प्रयास करा, उसको भी कैंसिल करा दिया, परंतु इंदौर के अंदर यातायात की बहुत सख्त ज़रूरत है, इसके लिए मैं अपनी ओर से, मेरे सहयोगी ओर से, उसमें नगर निगम और सरकार का कोई सहयोग नहीं रहेगा, महापौर बनते ही सबसे पहले ब्रिज के डिजाइन काम चालू होगा और 3-4 महीने उसका काम चालू होगा, 5ों ब्रिज का एक साथ काम चालू होगा, इसमें ना नगर निगम से पैसा लिया जाएगा ना सरकार से पैसा लिया जाएगा। रोजगार भी 20,000 पीड़ितों को देंगे कि जो कोरोना की मृत्यु हुई उनको देंगे? जो मृत्यु हुई उनको तो दे ही रहे, हम भी दे रहे, सरकार ने किसको दिया, उनने किसको दिया? मैं तो जो बीमार हुए गरीब परिवार के लोग हैं, एडमिट हुए, मैं उनको देने की बात कर रहा हूँ, नहीं, ये सब तो आपको जो उन्होंने 2018 में कहा था विधानसभा के समय, इतनी सारी घोषणाएं स्वयं के खर्चे पे करने के लिए, पहले जनता उसको वो उसका हिसाब दें और जो नई घोषणाएं हैं उसका वो रोड मैप बताएं कि वो कैसे ये सब करेंगे। जो उन्होंने अपनी व्हाइट की इनकम डिक्लेयर की है उससे मुझे लगता है कि एक ब्रिज भी ढंग से पूरा नहीं बन पाएगा, तो बाकी के 4 कहाँ से आएंगे और वो उसकी क्या प्लानिंग है वो जनता को बताएं। देखिए, कांग्रेस मुंगेरी लाल जी के सपने दिखा रही, कांग्रेस हमेशा जनता को भरमाने का, चुनाव के टाइम भरमाने का प्रयास करती है। ये पुल 5 पुलिया कहाँ बनाएगी, इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी चौड़ाई कितनी होगी, इसकी लागत क्या होगी? कांग्रेस हवा में हवाई पुल बनाएगी, कांग्रेस हवा में हवाई पुल बना रही, धरातल से उसका कोई लेना देना नहीं। इन्होंने राज्य शासन को ऐसा प्रस्ताव भेजा, नगर निगम को ऐसा प्रस्ताव भेजा, अभी 3 साल से तो विधायक हैं, ऐसा कोई एक प्रस्ताव भेजा, केवल जनता को भरमाने का काम कांग्रेस कर रही। मेरा निवेदन है कि कांग्रेस अपनी इन आदतों से बाज आए। शंका है कि ऐसा नहीं हो कि वो ब्रिज बनाने के बाद वहाँ कहीं टोल लगा दे और उसमें से वो 500 रुपये वसूल करना चालू कर दे, ये भी एक शंका है। मतलब हाँ, निजी टोल बना करके ब्रिज बनाया आपने और उसके पहले एक निजी टोल लगा दिया जिसमें लिखा है संजय शुक्ला ब्रदर्स और वहाँ पर आपने 500 रुपये वसूल करना चालू कर दिया, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए गंभीरता से नहीं लेना चाहिए इन सब बातों को। संजय शुक्ला बहुत ही बड़े झूठे और मुझे लगता है कि उन्हें गपोड़ी कहा जाए तो भी एक कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने वहाँ की एक नंबर विधानसभा की भोले भाली जनता को झूठ बोल के कहा था कि 600 बोरिंग कराऊंगा, 500 बोरिंग कराऊंगा। आज वहाँ की जनता उनको ढूंढ रही है, पानी के लिए भी ढूंढ रही है और झूठ के लिए भी ढूंढ रही है। अब आप सोचिए कि ये कितना बड़ा मानसिक दिवालियापन है कि वो कह रहे हैं जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो या तो नेशनल अथॉरिटी करती है या स्टेट अथॉरिटी या फिर आईडीए या म्युनिसिपल, वो कह रहे हैं कि मैं मेरे घर से ही पुल बनवा दूंगा। मैं संजय शुक्ला का मुझे लगता है मानसिक संतुलन थोड़ा सा हिल गया है, बहुत अच्छी बात है। वो ये नहीं कह रहे कि मैं नया इंदौर ही कहीं, मेरी जो ज़मीनें हैं, जिस जो मैं कॉलोनाइज़र हूँ, जो मैं मेरे पास में जितना भूमियाँ हैं उस पर मैं कोई नया इंदौर ही बसा दूंगा, वो ये नहीं कह रहे, ये ठीक है, हो सकता आते आते वो ये भी कहने लगे।